नमस्कार। आखिर गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की क्यों नहीं सोच रहे? अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो सरकार को कितना नुकसान और आम पब्लिक को कितना फायदा? आम पब्लिक बार बार यह कह रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी यह कह रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो आम पब्लिक को महंगाई से राहत मिले। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती। क्यों? क्योंकि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा इनकम का जरिया है। इससे बहुत ही बड़ी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट को हो रही है। अगर यह जीएसटी के दायरे में लाया जाए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इनकम आधी रह जाएगी। अभी जो इनकम इनको पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी और वेट लगाकर हो रही है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो जस्ट 50% रह जाएगी। तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए और ना स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। हालांकि अपने इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे दूसरे तरीके दूसरे उपाय भी बताए हैं कि कैसे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं पेट्रोल डीजल से। अगर आप इसको जीएसटी के दायरे में लाओ तो आम पब्लिक को राहत मिलेगी, आप और दूसरे तरीके से भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर विचार नहीं। आज मैं आपको कुछ एनालिसिस कुछ डेटा बताऊंगा कि एक्चुअल प्राइस क्या है और अगर जीएसटी के दायरे में आए तो आपको और आम पब्लिक को पेट्रोल डीजल किस रेट में मिले वो अपन देखते हैं। आइए अभी अपन इस चार्ट के जरिए देखेंगे कि आम पब्लिक को पेट्रोल डीजल कितने मिल रहा है और गवर्नमेंट को कितना फायदा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना फायदा हो रहा है। देखिए आप पर लीटर में बता रहा हूं मैं आपको, पेट्रोल की बेस प्राइस है अभी 4.8। यह जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है ना तो उसका फ्रेट लगता है 0.30। ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के अनुसार हो सकता है कि दिल्ली से कितना लगता हो या राजस्थान या एमपी या गुजरात, तो ये जो फ्रेट किराया है वो दूरी के अनुसार तय होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक्साइज ड्यूटी, अब एक्साइज ड्यूटी कौन लेता है ये ध्यान रखना, ये एक्साइज ड्यूटी 30.80 पर लीटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है। अब आप देखिए आप 4.88 तो इसकी बेस प्राइस है और अब 30.80 देखिए आप एक्साइज ड्यूटी पर लीटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो कितना सारा टैक्स एक लीटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। उसके बाद डीलर का कमीशन होता है 3.80, डीलर जो बेचता है इसको एक लीटर पर 3.80 कमीशन। वेट, ये मामला है स्टेट गवर्नमेंट का। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी पर लीटर पर कितना कमा रही है, 29.88। अब आप इनकी इनकम ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की 40.88, स्टेट गवर्नमेंट की 29.88। आप यही बात डीजल की करते हैं, डीजल की बेस प्राइस है 41.08, इसका फ्रेट है 0.31 किराया। अब डीजल से सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही है पर लीटर पर 31.80, डीलर कमीशन है 2.59 और स्टेट गवर्नमेंट कमा रही है 21.82। अब देखिए पर लीटर पर इनकी इनकम देखिए, और अभी डीजल की कीमत है 97.91 और पेट्रोल की कीमत है प्रेजेंट पब्लिक आम पब्लिक को मिल रहा है 107.80। अब देखिए अभी प्रेजेंट में ये गणित है ये चल रहा है। अब अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपन? देखिए अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो जीएसटी का अभी टैक्स का फुल स्लैब कितना है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं 28% हाईएस्ट जीएसटी अगर किसी पे लगता है, जैसे तंबाकू हो गई या वाइन हो गए, इन पे हाईएस्ट 28% लगता है। अलग से बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ सेस भी लगाती है अलग से,
तो वो मिला 35% या 40% भी होता है, बहुत से राज्यों में होता है, तम्बाकू के ऊपर या वाइन के ऊपर लगा देते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर हाईएस्ट टैक्स भी जोड़ा जाए ना जीएसटी के अंदर 28%, तो आम पब्लिक को पेट्रोल कितने मिलेगा 75 रुपीज में और डीजल कितने मिलेगा 68 रुपीज में। अब देखिए आप, आम पब्लिक को तो इससे फायदा हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा देखिए आप। राज्य सरकारें, कोई एक ही राज्य सरकार नहीं, सारी इंडिया की जितनी भी राज्य सरकार है सारा इसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? वो कह रही है कि जो पेट्रोल और डीजल की जो जिसके ऊपर टैक्स है ना, उसका अधिकार राज्य के पास रहना देना चाहिए, राज्य अपने अनुसार टैक्स घटाए बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर बार जीएसटी की मीटिंग होती है, अभी 45-45 मीटिंग हुई जीएसटी की, जिसमें निर्मला सीतारमण ने भी यह कहा था कि अभी तक राज्यों की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। क्यों नहीं आया आप खुद जानते हो, अगर ऐसा करेंगे तो राज्य सरकार को अपने आय में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार विरोध क्यों करती है? एक अनुमान, एक रिसर्च के अनुमान के अनुसार मुताबिक अगर राज्यों के राजस्व में 30,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी, अब देखिए आप 30,000 करोड़ की कमी आएगी राज्यों के राजस्व में। अब ये कितना अर्न कर रहे हैं पब्लिक से टैक्स के रूप में, इसीलिए ये तो एक दुधारू गाय बन गई इनके लिए। ये नहीं चाहते कि आम पब्लिक को फायदा हो। अगर आप वो दूसरे भी तो सोर्स हैं, दूसरे भी सोर्स से भी तो आप इनकम कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल तो आम जरूरत है इंसान की, महंगाई भी इसी के ऊपर निर्भर करती है। आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आम पब्लिक को कैसे फायदा मिलेगा? मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल के कुछ राहत पब्लिक को देनी चाहिए। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जितनी राज्य सरकार है अगर इसको जीएसटी के दायरे में जाए तो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो देखिए आप। केंद्र सरकार को अगर ये अगर जीएसटी के दायरे में आए तो पर ईयर 1,00,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। देखिए आप, पर ईयर 1,00,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है ये जीएसटी के दायरे में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर जीएसटी के दायरे में आए तो आम पब्लिक को कितना फायदा हो और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो। इसीलिए राज्य सरकार नहीं चाह रही है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।